हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है डर्मा रोलर। ये बहुत सस्ता है। जो लेजर ट्रीटमेंट्स नहीं लेना चाहते, ये उनके लिए है। ये इस प्रकार की पैकेजिंग में आया है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा इसका लिंक। हाँ, तो ये डर्मा रोलर क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किसको यूज करना चाहिए और किसको नहीं यूज करना चाहिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फेशियल डर्मा रोलर है। अगर आपको अपने फेस के टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, अपने एक्ने को रिमूव करना है, आपको ब्राइटर स्किन चाहिए और रिंकल्स दूर होने चाहिए, स्किन स्मूथ होनी चाहिए, तो आप इसको यूज करिए। और ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने चाहा कि आपको ये भी पता होना चाहिए। यूज करने का एक साइंटिफिक रीजन है, तभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। डर्मा रोलर को यूज करने का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो उसमें नीडल्स हैं बारीक बारीक, तो वो हम जब इसको चुभाते हैं यहाँ पर, तो हमारे मस्तिष्क में एक मैसेज जाता है कि सुई चुभ रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज जो जाएगा तो वो रिपेयरिंग का जाएगा, स्किन रिपेयरिंग का जाएगा। जब हमारी बॉडी में कुछ चीज लग जाती है, छिल जाता है, तो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि वहां पर स्किन हील होनी चाहिए, हील करनी है, तो वो डे बाय डे वहां पे हीलिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। जब चुभाएंगे स्किन में, यानी कि इसको रोल करेंगे, तो हमारे जब हम इसको रोल करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक मैसेज जाएगा कि वहां पर हील रोल करेंगे स्किन पर, तो हमारे जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। और जब हम कोई एंटी एजिंग क्रीम है, सीरम है, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, जब हम इसको रोल करेंगे तो हमारे जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे फेस पर, तो वो डीपली अंदर जाएगा, तो वो डीपली नरिशमेंट देगा स्किन को और कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। और जब आप इसको यूज करने के बाद कोई सीरम लगा लेंगे, विटामिन सी है, एंटी एजिंग क्रीम है, ग्लाइकोलिक एसिड है और बहुत सारे सीरम्स हैं लगाने के लिए। आप शीट मास्क भी लगा सकते हैं, आप फेस पैक भी लगा सकते हैं इसके साथ। अगर आप इसको लगा लेंगे इसको करने के बाद और वो लगा लेंगे स्किन पर, तो स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। डे बाय डे आप अपने स्किन का टेक्सचर खुद देखेंगे कि आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हैं। डर्मा रोलर आपके स्किन के कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन देता है ये। तो मैं इसीलिए इसको बेस्ट ऑप्शन मानती हूँ स्किन के लिए। हाँ, अगर आप लेजर ट्रीटमेंट्स ले पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर कुछ लोग लेजर ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी डर्मा रोलर पर वापस आते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या यूज करना चाहते हैं। देखिए, इसमें बारीक बारीक नीडल्स आएंगे। जैसे जैसे आप एमएम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इसकी नीडल्स की जो लंबाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे लंबाई इंक्रीज होगी, अगर आप 0.5 से ज्यादा लेंगे, मतलब 1.0 लेंगे, तो उसमें आपका स्किन पे ब्लीडिंग हो सकती है, स्मूथ हो जाएगी। और अगर आप 0.5 से ऊपर लेते हैं तो आप डर्मोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही लें। ये वो लोग यूज ना करें जिनको फेस पे इंफ्लामेशन है, मोल्स हैं, सनबर्न है और रोजेशिया है। अगली वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको यूज करते हैं। आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। चलिए मैं चलती हूँ और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। बाय।